अफ्रीका के कैप टाउन की वह कौन सी घटना है जिनमें एक लंगून ने 9 साल तक रेलवे की नौकरी की। जी हाँ, सो गाइस, आप लोग अगर हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपने घोड़ों और कुत्तों को पुलिस या सेना की नौकरी करते हुए जरूर देखा या सुना होगा, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि आपने किसी लंगूर को सेना या पुलिस को नौकरी करते देखा या सुना है तो निश्चित ही आपका जवाब ना में होगा, क्योंकि लंगूर पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे चंचल स्वभाव का जानवर होता है, जिसके कारण उससे कोई भी काम निकाल पाना बहुत ही कठिन होता है। मैं आपको एक अद्भुत लंगूर की कहानी बताने वाला हूँ जिनमें 9 साल तक सफलतापूर्वक रेल विभाग में नौकरी करके अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज करवा दिया। 1817 में अफ्रीका के कैप टाउन शहर के न्यूटन हेज रेलवे स्टेशन से शुरू होती है। इस मशहूर रेलवे स्टेशन पर जेम्स व्हाइट नाम का एक व्यक्ति सिंगल मैन के पद पर नौकरी करता था, जिसका काम स्टेशन से गुजरने वाले गाड़ियों को सिग्नल देना था। लेकिन जेम्स को एक बहुत ही बुरी आदत थी, वो स्टेशन से गुजरने वाली रेलगाड़ियों के सामने खतरनाक स्टंट करता था और कुछ ही समय में इतना मशहूर हो गया कि उसके स्टंट को देखने के लिए दूर दूर से आने वाले लोगों की भीड़ स्टेशन पर जमा होने लगी थी। अपनी इसी आदत के कारण वो बच्चों से लेकर बड़ों में जंपर के नाम से फेमस हो गया, लेकिन होनी को भला कौन टाल सकता है। एक दिन स्टंट के दौरान वो लापरवाही से गंभीर हादसे का शिकार हो गया। इस हादसे में वो अपने दोनों पैर गंवा बैठा। महीनों चले इलाज के बाद जब जेम्स स्टेशन पर नौकरी करने पहुंचा तो स्थितियां पहले जैसी नहीं थी। ट्रेन के आने पर उसे अपनी सीट से सिग्नल देने जाने वक्त काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। फिर नौकरी खत्म करने के बाद अपने घर तक जाने में उसे इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ता था कि मानो जान पर बन आई हो। इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए उसने नकली पैर लगवाए, लेकिन परेशानी कम नहीं हुई। एक शाम ड्यूटी खत्म करके निकलते हुए उसे कस्बे में एक लंगूर अकेला गाड़ी हाँकते हुए ले जाता मिला। जेम्स यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि वो लंगूर ऐसे गाड़ी हाँक रहा था जैसे कोई आदमी हो। जेम्स के दिमाग ने तुरंत काम किया और उसने लंगूर के मालिक के घर जाकर उसे मुंह मांगे दाम पर खरीद लिया और अपने घर ले आया। फिर क्या था, उसने लंगूर का नाम जैक रखा। जेम्स जैक को अब हर समय अपने साथ रखने लगा। लंगूर जैक धीरे धीरे जेम्स के कामों में हाथ बटाने लगा। वो जेम्स के साथ रेलवे स्टेशन रोज जाता और उसके काम को बड़ी सावधानी से देखने लगा। वो सीखने की कोशिश भी करता। कुछ समय बाद ही जैक जेम्स की सिग्नल बदलने में मदद करने लगा। इसके बाद कुछ ही दिनों की ट्रेनिंग के बाद जैक लंगूर इस काम में इतना परफेक्ट हो गया कि जब जेम्स कुर्सी पर सो रहा होता तो वो गाड़ियों को उसकी सीटी से पहचान कर सिग्नल चेंज कर देता था। लेकिन कुछ समय बाद जब यह बात रेलवे अधिकारियों के कान तक पहुंची तो किसी दुर्घटना की आशंका और अपने काम में लापरवाही के कारण उन्होंने जेम्स को सस्पेंड करके जैक लंगूर को काम से हटा दिया। लेकिन जेम्स की कई मिनटों के बाद अधिकारियों ने जैक लंगूर की स्टेशन जाकर परीक्षा ली। तब उन्होंने पाया कि सचमुच वो एक इंसान से बेहतर काम करता है। उन्होंने इस बात की सूचना अपने उच्च अधिकारियों को भी दी। उन्होंने भी जब स्टेशन जाकर जांच की तो पता चला यह बात सच है। उच्च अधिकारियों ने अब जैक को सिग्नल मैन की नौकरी देने में समय नहीं लगाया और तुरंत आदेश जारी करके जैक लंगूर को नौकरी पर रख लिया। जैक को 20 सेंस प्रति सप्ताह और प्रतिदिन आधा लीटर बियर के मेहनताने पर रखा गया। यह भी एक कारनामा रहा कि जैक ने अपनी 9 साल की नौकरी में एक भी गलती नहीं की थी। वर्ष 1890 टीवी की वजह से जैक चल बसा और जैक लंगूर की रेलवे के सफर की यह कहानी खत्म हुई। तो गाइज, आप लोगों को यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें एंड प्लीज गाइज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।